नमस्ते, आशा करती हूँ कि आप सब हेल्थी एंड फिट होंगे। मौसम बहुत ही ठंडा होता जा रहा है, ऐसे मौसम में मन करता है कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। आज मेरा मन कर रहा है गर्मा गर्म सूप पीने का और आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम सूप। आइए देखते हैं गर्मा गर्म मशरूम सूप बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगी। मैंने यहाँ ली है 200 ग्राम्स ऑफ मशरूम जो मैंने गर्म पानी में धो के साफ करके निकाल के रखी है और मैं अब इसे एक साफ कपड़े से पोंछ दूंगी। ये प्रोसेस मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इसकी जो अपर लेयर है वो अच्छी तरह से निकल जाए। थिक सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मल्टीग्रेन आटा। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर, व्हीट फ्लोर या मैदा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ली है 2 टीस्पून काली मिर्च। मैंने ली है 3 टेबलस्पून बटर, यदि आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ली है अमूल की फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो दूध में ऊपर जो जमी हुई क्रीम है वो भी ले सकते हैं क्योंकि हम क्रीमी मशरूम सूप बना रहे हैं। आप लिया है 1 ग्लास गाय का दूध। रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम सूप बनाने के लिए वेजिटेबल स्टॉक का होना बहुत जरूरी है। वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 प्याज, 1 आलू और कुछ स्प्रिंग अनियन लिए हैं। सूप के लिए मैंने लिया है 1 प्याज और 6 कलियाँ लहसुन की। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं धनिया पत्ती। हम मशरूम को कट करेंगे। मशरूम को मैं क्वार्टर शेप में काटूंगी और मैं स्टेम यूज़ नहीं कर रही हूँ, स्टेम को मैं यूज़ करूँगी वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए, तो उसे मैं सेपरेट एक बाउल में निकाल रही हूँ। वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक पैन। पैन में मैंने 1 स्पून बटर डाला और अब मैं डालूँगी कटे हुए प्याज, आलू, स्प्रिंग अनियन और मशरूम का स्टेम। अब मैं ये सारे वेजिटेबल अच्छी तरह से बटर में मिक्स करके 1 लीटर पानी डाल के इसे मैं 40 मिनट्स तक बॉईल करूंगी। अब हमारा वेजिटेबल स्टॉक बनके रेडी हो चुका है, अब इसे हम छान लेंगे। इसका पानी हम सूप बनाते समय यूज़ करेंगे। सूप को और थिक बनाने के लिए मैं आलू, स्प्रिंग अनियन और मशरूम स्टेम को पीस लूंगी। रखेंगे एक पैन। पैन में हम 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे और हम इसमें प्याज डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस हमें मीडियम फ्लेम में ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन और प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम। मशरूम को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी जब तक इसका पानी इवॉपरेट नहीं हो जाता और बीच बीच में हिलाती रहूंगी। हमारे मशरूम अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और बटर और मशरूम सेपरेट हो गए हैं। एट दिस स्टेज मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून मल्टीग्रेन आटा और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से रोस्ट करूंगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास दूध। दूध डालने के बाद हमें इसे हिलाते हुए पकाना है। इसे अच्छी तरह से पकाइए, जब इसमें बॉईल आ जाए तब आप 1 ग्लास वेजिटेबल स्टॉक जो आपने बनाया है वो डालिए और इसे और थोड़ी देर मिक्स करते हुए पकाइए। हम इसमें मिक्स करेंगे आलू, स्प्रिंग अनियन और मशरूम स्टेम का पेस्ट। इससे ग्रेवी और थिक हो जाएगी और टेस्टी भी। ये अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स कर दीजिए। देखिए ऑलरेडी कितनी थिक दिख रही है। एट दिस स्टेज आपको सूप में कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप एज पर योर रिक्वायरमेंट ध्यान रखते हुए आप बचा हुआ वेजिटेबल स्टॉक मिक्स करिए और इसे ढककर एक बॉईल आने तक पकाइए।
हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पेपर एंड सॉल्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून पेपर लिया है और 2 टीस्पून सॉल्ट, और मैं इसे अच्छी तरह से सूप में मिक्स कर लूँगी। अब इस स्टेज में मैं डालूंगी क्रीम। क्रीमी मशरूम सूप के लिए क्रीम तो बनता है। अब मैं इसे गार्निश करूंगी धनिया पत्ती डालकर। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी मशरूम सूप रेडी हो चुकी है। चलिए डिश आउट करते हैं। क्रीमी मशरूम सूप को मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए ये कितनी डिलीशियस लग रही है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप सब इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारा गर्मा गर्म सूप बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ही हेल्थी है। आप लोग इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।